हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सीयूईटी पीजी 2024 ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। अगले 4-5 दिनों में सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चों के क्यूरियसिटी बढ़ चुकी है कि रिजल्ट कब आएगा, मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, टॉप 10 कौन सी यूनिवर्सिटी होगी सीयूईटी पीजी के अंदर, कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना चाहिए। तो वो सारे चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे करके वीडियोज आएंगे उनके ऊपर जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो हैं सीयूईटी पीजी 2024 के अंदर वो कौन कौन सी है। हम बात करेंगे उनकी रैंकिंग क्या है, उनकी एवरेज फी क्या होने वाली है और हॉस्टल फी उनकी क्या होने वाली है अगर आप इनमें एडमिशन लेते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करें, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। देखो भाई, सबसे पहले अनडाउटेडली जेएनयू, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, दिल्ली में ये पड़ेगा। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन रैंक मैंने लिखी हुई है, तीन अलग अलग रैंक है। अब इन तीन रैंक का क्या मतलब है, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं। तीन अलग अलग जो रैंक लिखी है उनका क्या मतलब है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये लिखा है 02, यानी कि सेकेंड रैंक जो है वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। यूनिवर्सिटीज जो है उनके अंदर इसकी जो रैंकिंग है, एनआईआरएफ रैंकिंग की तीन कैटेगरी है, एक है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक है रिसर्च कैटेगरी और एक है ओवरऑल। तो ओवरऑल में जो जेएनयू आता है, मतलब जिसके अंदर सारी आईआईटीज वगैरह भी कंसिडर होती हैं, तो उसमें ये पड़ता है 10th रैंक के ऊपर। अगर हम रिसर्च फील्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें इसकी रैंक आती है 18, और अगर मैं सिर्फ यूनिवर्सिटीज की, साइंस यूनिवर्सिटीज की बात करूँ, आर्ट्स यूनिवर्सिटीज की बात करूँ, तो उसमें ये 2nd रैंक के ऊपर आता है। फीस की बात करें तो फीस ना के बराबर ही है, मतलब इतना खर्चा तो आप एक हफ्ते का कर देते होंगे, अगर बहुत कम खर्चा करते होंगे तो एक हफ्ते में इतना खर्चा कर देते होंगे जो इसकी फीस है। इसकी जो फी है वो है 375 पर ईयर एवरेज फीस, 375 पर ईयर इसकी एवरेज फीस है। और अगर एवरेज हॉस्टल फीस की बात करें तो दो सेमेस्टर की यानी कि एक साल की जो इसकी हॉस्टल फीस है वो है 180 रुपीज, 180 रुपये। मैथ्स जो फी है वो 750 रुपये। अब ये सेमेस्टर है या ये मंथली है ये थोड़ा सा डाउट है मेरे को, वो आप चेक कर सकते हैं। हाँ, पर ये जो इसकी एवरेज एजुकेशन फी है वो इतनी है और इसकी जो हॉस्टल फी है वो इतनी। तो अनडाउटेडली सबसे पहले ये फिल होगा, और इसको अगर आपको लेना है, मतलब इसके अंदर आपको जाना है, तो अगर मैं सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर आपके जो मार्क्स हैं जनरल की अगर हम बात करें तो वो होने चाहिए 200+। 200+ तो मैं बोल रहा हूँ, और इस बार का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग तो ये कम से कम 210 नंबर+ जाएगा, 210 नंबर+ जाएगा इस बार के पेपर के। और अगर मैं इसी तरह से बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का पेपर जो है वो थोड़ा सा इजी नहीं था, थोड़ा सा टफर साइड था। तो अगर केमिस्ट्री के लिए बात करें तो केमिस्ट्री के लिए ये जाएगा 195+ पे। मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, तो मैथ का पेपर लेंदी था, तो मैथ के लिए जो जेएनयू है वो आपको मिल जाएगा 180+ के ना, मैथ्स का पेपर लेंदी आया था इस पर। फिर हम सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें वाराणसी, बीएचयू वाराणसी, तो इसकी जो रैंक है यूनिवर्सिटी रैंक है इसकी 5, और अगर मैं रिसर्च के फील्ड में बात करूं तो 16, ओवरऑल रैंकिंग है जो इसकी है 11। अगर फी की बात की जाए तो एवरेज जो फी है वो है 3340, यानी कि 3340 रुपीज, 3340 रुपये पर सेमेस्टर। और अगर आपका पेड कैटेगरी में एडमिशन हो रहा है, इसमें एडमिशन हो रहा है पेड कैटेगरी, दो कैटेगरी है, एक रेगुलर या फ्री सीट कह सकते हो, और एक होता है पेड सीट, यानी कि आपने सेल्फ फाइनेंस से एडमिशन लिया है, तो उसमें आपको 45,000 रुपये पे करने पड़ेंगे पर ईयर, है ना। ये जो सेमेस्टर फीस है वो तो आपकी होगी होगी, उसके अलावा आपको 45,000 रुपये और हॉस्टल फी जो होगी वो होगी 5,000 रुपये पर ईयर, हॉस्टल फीस 5,000 रुपये पर ईयर। अगर हम बात करें कि कितनी रैंक तक आपको ये मिल जाएगा, क्या कट ऑफ पे मिल जाएगा, तो अगर मैं फिजिक्स के लिए बात करूँ तो फिजिक्स के लिए अगर बीएचयू की बात की जाए तो बीएचयू आपको मिलेगा अराउंड 185+ पे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में ये आपको मिलेगा लगभग 170+ पे, और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में ये आपको मिलेगा 160+ पे, ये आपको मैथ्स में मिल जाएगा, ठीक है, मैथ्स के अंदर ये 160+ पे आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है वो है 10, अगर मैं रिसर्च रैंकिंग की बात करूँ तो 17, और ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 22। एवरेज जो फी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं जिनके अंदर भी आपको एडमिशन मिलेगा, तो एवरेज फीस जो सबकी पड़ती है वो पड़ती है 13,000 रुपये पर ईयर, 13,000 रुपये पर ईयर। और हॉस्टल फीस जो है वो यहाँ पर महंगी पड़ जाती है, इंक्लूडिंग मैथ्स, वो
40,000 भी चली जाती है, 45-50 भी चली जाती है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ रहना प्रेफर कर रहे हैं। तो हॉस्टल का थोड़ा सा यहाँ पर रहना खाना यहाँ पर आपको महंगा पड़ सकता है। अगर कट ऑफ की बात करें तो फिजिक्स में जो इसका मिलना चाहिए, आपको कितने मार्क्स पर मिल जाना चाहिए, तो ये 170+ पर आपको मिल जाना चाहिए फिजिक्स के अंदर, है ना। ये नॉन डीयू की बात चल रही है। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ये आपको मिल जाएगा करीबन 150+ पर, आपको ये केमिस्ट्री मिल जाएगा 155 कर लो। और अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपको मिल जाएगा 145+ पर, आपको इजिली मैथ में मिल सकता है, इवन 140+ पे भी मिल जाएगा मैथ के अंदर। अब जो बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है 2025 CUET PG फिजिक्स के लिए, और इवन जो प्रिपरेशन कर रहा है अभी जो रिसेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होने हैं, जैसे कि जामिया मिलिया का एग्जाम होना है, AMU का एग्जाम होना है, ये भी बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभ्यास 2 पॉइंट बैच जो है वो चल रहा है। इस बैच की जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, और इस बैच के अंदर आपको 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाने हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी अभ्यास बैच ज्वाइन किया था वो भी अभ्यास 2 ज्वाइन कर सकते हैं, और 4400 रुपीज उनका एक्स्ट्रा जो है पेमेंट लगेगा। तो इस बैच के अंदर आपको जो JMI AMU के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आपको कराए जाएंगे, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस बैच में कुल मिलाकर मिलने हैं। ये बैच रनिंग में है तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर। फिर बात कर ले हैदराबाद, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है वो है 11, रिसर्च रैंकिंग है 28, और ओवरऑल रैंकिंग जो है इसकी है वो है 20। एवरेज फीस की बात करें तो 5172 रुपये, 5172 रुपीज पर सेमेस्टर। और हॉस्टल फीस की बात करें तो 3850 रुपये, 3850 रुपीज पर सेमेस्टर। अच्छा, यहाँ पर SC ST की जो स्कॉलरशिप मिलती है वो तेलंगाना स्टेट के जो SC ST कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पर अगर बात करें कि क्या कट ऑफ जानी चाहिए, कितने रैंक पर मिल जाएगा, तो फिजिक्स के लिए ये आपको 190+ पर कम से कम जाके मिलेगा, 180 भी है तो फॉर्म तो लगा देना उसमें क्या है। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में ये आपको मिलना चाहिए 170 के आसपास केमिस्ट्री में, और मैथ्स की बात करें तो मैथ में आपको ये 160+ पर आराम से मिलना चाहिए मैथ के अंदर। फिर अगर हम बात करें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की, इसकी NIRF रैंकिंग है 40, NIRF रैंकिंग है इसकी 40। एवरेज फीस जो है वो यहाँ पर महंगी पड़ेगी आपको, पर साल 42,000 रुपये आपको इसकी फीस पड़ने वाली है। महंगी यूनिवर्सिटी पड़ेगी पर ओवरऑल बहुत बढ़िया है, दिल्ली के अंदर है। और हॉस्टल फीस भी महंगी पड़ेगी इंक्लूडिंग मैथ्स, अगर देखोगे तो 40 से 50 हज़ार, यानी कि एक साल का लगभग लगभग आपको 1 लाख रुपए आराम से लगने वाला है हॉस्टल मिल जाए तो, नहीं तो बाहर रहना पड़ेगा तो भी लगभग इतना ही खर्चा आपका जाएगा। ये आपको किस रैंक तक मिल जाएगा, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में ये आपको 150+ रैंक तक आराम से मिल सकता है, और इवन 145 पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपको 130+ पे आप इसको ट्राई कर सकते हो, और मैथ्स में मैं बात करूं तो मैथ्स में आप इसको 120+ पर ट्राई कर सकते हो, आराम से मिल सकता है। फीस ज्यादा है इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। फिर BBA लखनऊ की बात करूं, BBAU लखनऊ में ज्यादा जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी के बच्चों के लिए ज्यादा रिजर्वेशन है, यानी कि SC ST के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर रिजर्वेशन है, तो उनकी रैंक पीछे भी है तो उनको आराम से ये मिलता है BBAU। अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो 42 है एवरेज फीस की। अगर आप नॉन पेड सीट पर जा रहे हैं, रेगुलर सीट पर जा रहे हैं, तो 1500 रुपये पर सेमेस्टर इसकी फीस होगी। और अगर हम आप पेड सीट के ऊपर जा रहे हैं, पेड सीट के ऊपर आपका एडमिशन हो जाए, तो एवरेज जो फी है वो आपको 20,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको अलग से और देनी पड़ेगी। ये वेरी करेगा, किसी में 25,000 होगा, किसी में 18,000 होगा, तो मैंने एक एवरेज फीस आपको बता दी। हॉस्टल फीस की अगर हम बात करें तो 4600 रुपये पर ईयर जो इसकी हॉस्टल फीस लगने वाली है। BBAU लखनऊ में सीट्स बहुत ज्यादा है, और मैंने पहले ही कहा आपको कि ये जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, तो उनको तो बहुत कम मार्क्स पर भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर यहाँ पर जो एडमिशन है वो आपको मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से 145+ पर, वो मिल जाना चाहिए जनरल के अंदर। और SC में तो आपके SC के में है आप, तो उसमें अगर आपके मार्क्स 120 भी होंगे तो आपको इजिली मिल जाए। और फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में यहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सीट है, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको ये 140+ पर मिल जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मैथ्स के लिए तो मैथ्स में ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि पेपर टफ बता रहे हैं या लेंदी बता रहे हैं बच्चे, तो उसके हिसाब से ये आपको 130+ तक आराम से मिलेगा मैथ्स में। फिर अगर हम बात करें पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की NIRF रैंकिंग 68, एवरेज जो फी है वो 13,000 पर सेमेस्टर, हॉस्टल फीस 22,000 पर ईयर,
सबसे लास्ट में इसकी काउंसलिंग होती है, तो तब तक बच्चे हर जगह सेट हो जाते हैं। इधर ज्यादा भागदौड़ होती नहीं है, पर फिर भी लास्ट तक इसकी काउंसलिंग चलती रहती है। और अगर मैं बात करूं जनरल में, फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जनरल में ये आपको मिलेगा 145 या उसके अबव। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में 140 एंड अबव और प्लस। और अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो मैथ्स में ये आपको मिलेगा 125। मंजिल बैच सीयूईटी पीजी 2025 के लिए अनाउंस हो चुका है, बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। ये बैच जो है 2031 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में इस बार आपको बेसिक से प्रिपरेशन कराई जाएगी, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो इस बार आपको 11 ट्वेल्थ के जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इसमें कराए जाएंगे। उस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे इस बार एग्जाम में, इसलिए इस बैच की जो प्राइस है वो लिमिटेड टाइम के लिए 4500 रुपीज कर दी गई है, जो कि पहले थी 6000 रुपए। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है सीयूईटी पीजी 2025 के लिए, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो कर चुका हूँ, जिन लोगों ने देख लिया होगा तो उनको पता होगा, नहीं देखा तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में आपको सीयूईटी पीजी से केवल 20% सीट्स के अगेंस्ट एडमिशन मिलेगा। अगर मान लो 100 सीट है, तो 100 में से 20 सीटों पर आपको जो एडमिशन मिलेगा वो मिलेगा सीयूईटी पीजी के थ्रू, और बाकी की जो 80 सीट है उनके अगेंस्ट एडमिशन मिलेगा TUEE, यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन मिलेगा बाकी की 80 सीटों पर। तो अगर आपको मतलब यहीं एडमिशन लेना है, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप TUEE का एग्जाम और दे लेना, जिसकी लास्ट डेट फिल करने की, फॉर्म फिल करने की है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल तक आप वेट कर सकते हो। अगर रिजल्ट नहीं आता है या रिजल्ट आपका खराब आता है, तो आप ये फॉर्म भर लेना। अगर आप उधर की तरफ के रहने वाले हो, वेस्ट बंगाल के, नॉर्थ ईस्ट के, बिहार के, ओडिशा के, उधर के रहने वाले हो, तो ये फॉर्म भर लेना। फीस थोड़ी सी थोड़ी महंगी है, 13,843 पर सेमेस्टर फी है। हॉस्टल फीस है 19,200 पर ईयर हॉस्टल फीस पड़ेगी। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि किस रैंक तक मिल जाएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी केवल 20% सीट से 20% सीट्स ये सीयूईटी पीजी की ले रहा है, तो कट ऑफ इसकी ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहने का मतलब है कि 145 प्लस रहेगी फिजिक्स में। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, तो केमिस्ट्री में भी 140 प्लस ही चलेगा। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, तो मैथ में भी ये 135 प्लस चलेगा, क्योंकि जो सीट्स हैं वो आ कितनी रही है, 6 सीट आ रही है, 7 सीट आ रही है, 8 सीट आ रही है, तो वो शुरू की सीट में फिल हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको यहाँ पर ही जाना है, एडमिशन यहाँ पर ही लेना है, तो ये वाला एग्जाम जरूर दे लेना, TUEE करके एग्जाम है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, तेजपुर यूनिवर्सिटी। फिर बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, रैंक है इसकी 100, एवरेज जो फी है इसकी 9,750 पर सेमेस्टर, हॉस्टल फीस जो है वो पड़ जाती है 10,000 पर सेमेस्टर, 10,000 पर सेमेस्टर। काउंसलिंग इसकी बहुत लेट तक चलती रहती है, सबसे पहले इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और सबसे लास्ट तक जाके इसकी काउंसलिंग चलती रहेगी। मतलब इसकी इतनी लिस्ट आएगी जिसकी कोई हद नहीं है। शुरुआत की जो लिस्ट आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे मतलब इस यूनिवर्सिटी में भी इतने ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, वो इसलिए है कि सबसे पहले इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो जो टॉपर बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। खैर, हम बात कर लेते हैं कि लास्ट तक आते आते किस रैंक तक ये फिल हो जाता है। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में आपको 140 प्लस पे मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 130 प्लस पे मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको 125 प्लस पर मिल जाएगा। लास्ट तक आते आते मैथ्स में इससे भी नीचे जा सकता है। तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी पीजी के अंदर है इस बार, है ना। और इसके अलावा फिर अगर आपके इससे भी नीचे मार्क्स जा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो करेंगे, उसके अंदर बात करेंगे। फिलहाल मैंने केवल टॉप 10 की बात करी है। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, आपको ये यूनिवर्सिटीज आराम से मिल सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।